यो व्हाट्स अप यूट्यूब, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइज, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब में। तभी मुझे याद आया कि मेरे स्टोरी टाइम वाले प्लेलिस्ट में सिर्फ तीन ही वीडियो है, और वो तीनों वीडियो एक ही हरामखोर के ऊपर है, पीके के ऊपर। तो मैंने सोचा कुछ नई स्टोरी टाइम में एक नया इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। तो गाइज, ये इंसिडेंट तब का है जब मैं क्लास फिफ्थ से क्लास सिक्स में प्रमोट होकर आया ही था। कुछ उसका पहले वीक में ये इंसिडेंट हो गया, ये कांड हो गया मेरे साथ। तो मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, हमें क्लास फिफ्थ तक की पेंसिल से लिखना होता है। क्लास सिक्स में हमें पेन से लिखने की परमिशन मिल जाती है मोस्ट ऑफ स्कूल्स में। हमारे स्कूल में PSI था, तो एकदम ऐसे एटीट्यूड तो होता है ना, हम पहली बार पेन से लिखेंगे, भाई अब तो हम पेन से लिखते हैं, हम बड़े हो गए। तो इसी चौड़ में मैंने इंग्लिश का एक भी, मैडम कुछ 7-8 दिन से पढ़ा रही थी और मैंने उसकी बुक ही कंप्लीट नहीं की। मैडम ने कुछ 10-12 पेज करवा दिए और मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं था, बिल्कुल शून्य, जीरो, नील बटा सन्नाटा। और उसी के अराउंड हमें गांव के लिए निकलना था। तब हम थे दिल्ली में, मेरे पापा आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग वहाँ पे दिल्ली में थी, और हमें दिल्ली से आना था गुजरात, हमारे गांव। और आप लोगों को पता ही होगा, अगर हमें 10-15 दिन की छुट्टी चाहिए स्कूल से, तो हमें एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल की साइन करवानी होती है। तो जब मैं सुबह स्कूल के लिए निकल रहा था घर से, तब मैंने पापा को बोला कि पापा, मैं आज लीव एप्लीकेशन पे साइन करवा के ले आऊँगा, आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा करके ऑफिस के लिए निकल गए और मैं निकल गया स्कूल के लिए। स्कूल में आता है फोर्थ लेक्चर हमारे इंग्लिश टीचर का। इंग्लिश की मैडम आते ही बोलती है, निकालो अपनी नोटबुक्स, मैं आज चेकिंग करूँगी। आधे से ज़्यादा क्लास की नोटबुक इनकम्प्लीट थी, इसलिए मैम ने बोला कि चलो जिसके भी इनकम्प्लीट है वो अभी के अभी स्टार्ट कर दो कम्प्लीट करना। मेरी तो कुछ कम्प्लीट ही नहीं थी, सिर्फ नाम भी नहीं लिखा था बुक पर। तो मैंने मेरे दोस्त की बुक ली और उसमें से टापना चालू कर दिया। मैंने अभी एक पेज लिखा ही था लिटरली, एंड गेस व्हाट, तभी मेरे पापा वहाँ पे आ गए और उन्हें देखते ही मैं चारों खाने चित, मेरी फटके हाथ में आ गई। मैंने बोला आज मैं गया भाई, खत्म, खलास। मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और जैसे ही मैंने मेरे पापा को देखा ना, मैंने कहा भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं एकदम से खड़ा हुआ और मैंने कहा मैम मैं बाहर जा सकता हूँ, मेरे पापा हैं। मैडम ने मेरे को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी, उल्टा मेरे पापा को बोला कि आप अंदर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जैसे ही हमारी इंग्लिश की मैडम ने इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, अल्फाजों कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई, तो मैडम ने जैसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल किया ना, मैं समझ गया भाई आज मेरी बारात निकलने वाली है फुल बैंड बाजा के साथ। और जैसे ही मेरे पापा अंदर आए ना, इंग्लिश की मैडम ने मेरी तरफ देख के बस एक ही बात बोली, अपनी नोटबुक लेके आओ। मेरी भाई फटके हाथ में आ गई, मैं गया, मैंने बोला मैडम मेरा सिर्फ एक ही पेज कंप्लीट है, कुछ ज़्यादा कंप्लीट नहीं है। तो मैडम ने भरी क्लास के बीच में मेरे को एक चाटा मार दिया। तो मैम कह रही बाकी का कहाँ पे लिखा है, तो मैंने बस ऐसे झूठ में बोल दिया कि मैम बाकी का रफ कॉपी में। तो मैडम ने कहा रफ कॉपी लेके आओ, मैं कहा मैडम रफ कॉपी घर पे है। तो मैडम ने कहा जाओ अपनी साइकिल निकालो और अभी घर से रफ कॉपी लेके आओ। मैंने बोला मेरे स्कूल के पास से ही कुछ था घर, कुछ आधा किलोमीटर दूरी था, इसलिए कुछ ज़्यादा दूरी भी नहीं थी मेरे घर की। तो मैडम ने कहा तुम जाओ अभी के अभी बुक लेके आओ। तो मैंने कहा मैम बुक में भी नहीं है। तो मैडम ने फिर से भरी सभा के बीच, भरी क्लास के बीच में, सभा क्या, भरी क्लास के बीच में मैडम ने मेरे को फिर से चाटा मार दिया। मैडम ने क्लास के बीचों बीच मेरी कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, आपका बच्चा ऐसा, आपका बच्चा वैसा, यह करता रहता है, वो करता है, पढ़ाई नहीं करता। फिर मैडम ने मेरी नोटबुक देखी जिसमें एक ही पेज लिखा था, उसमें मेरा नाम भी नहीं लिखा था। तो मैम मेरे से पूछती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मतलब उसको मेरा नाम तक नहीं पता था और वो कब से मेरी कंप्लेंट किए जा रही थी, वो कंप्लेंट किस बात की कर रही थी जिसको मेरा नाम ही नहीं पता, मैं क्या करता हूँ कुछ पता ही नहीं है, फिर भी किसी और की कंप्लेंट वो मेरे ऊपर ही थोप रही थी। और तभी भरी क्लास में से एक बड़वा बच्चा खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैम ये और उसके फ्रेंड्स हमेशा शोर करते रहते हैं, हमें पढ़ने ही नहीं देते। तो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि वो बच्चा जिसने कंप्लेंट की मेरी, वो बहुत ही पढ़ता होगा भाई, टॉपर होगा, स्कॉलर होगा। तो मेरा ये कहना है बिल्कुल नहीं, वो बच्चा दूसरी बार सिक्स्थ क्लास कर रहा था। सिक्स्थ में एक बार फेल हो चुका था, हमारी क्लास में रूल था, हमारी स्कूल में एक रूल था, कोई भी बच्चा फेल होगा तो उसको वो क्लास रिपीट करनी है, चाहे कौन सी भी हो, फिफ्थ के ऊपर की। तो हम सिक्स्थ में थे, वो सिक्स्थ में दूसरी बार, वो दूसरा ईयर था उसका, फिर भी वो बोल रहा है कि हमें पढ़ने नहीं देते। भाई तू पढ़ता कब है? और आप लोगों को पता ही हमारे देश के बच्चों के बारे में, कोई भी बच्चा अगर कुछ भी बोले खड़ा होकर भरी क्लास के बीच में, जब किसी के पेरेंट्स आए हो, वो बात सच हो या ना हो, वो बात चाहे कितनी भी टट्टी हो, कितनी भी बकवास हो, बिना लॉजिक की हो,
पूरी क्लास को उसको उसमें उस बात में हाँ में हाँ मिला नहीं, यस मैम यस मैम यस मैम। और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ उस दिन। उस लड़के ने बोला कि ये और इसके फ्रेंड्स मेरे को पढ़ने नहीं देते, और पूरी क्लास ने उसकी बात में हाँ मिला दी। और ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद मेरे पापा का गुस्सा सातवें आसमान में था, और उनका चेहरा देख के ही मेरे को पता चल गया था आज मेरी बारात निकलने वाली है। और बस फिर क्या था, एक बच्चे ने मेरी कंप्लेंट की, उसके बाद अनुराग, नीरज, अमन, वैभव, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, सब लोग मेरी कंप्लेंट करने लग गए। और जैसा कि आप लोगों को पता होता है, हमारे टीचर्स एक ही इंतज़ार में बैठे होते हैं कब हम लोग किसी भी सिचुएशन में फंसे, और वो हमारे पेरेंट्स को कॉल करके यहाँ पे बुलाए। तभी भी वैसा ही हुआ, मैं फंसा हुआ था इस सिचुएशन में। हमारी इंग्लिश की मैडम ने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, दूसरे टीचर से भी मिल लीजिए, वो उनसे भी बात कर लीजिए कि क्या सिचुएशन है इस बच्चे की। और ये अल्फाज सुनने के बाद मेरी अंतर मंतर वाली आत्मा ने अंदर से बोला कि अब तेरी बारात नहीं अर्थी उठेगी। और उस दिन मेरी भर भर के बोरियां भर भर के कंप्लेंट्स हुई। और उसके बाद पापा घर आ गए, और जब हमारी स्कूल की छुट्टी हुई तब मैं भी घर के लिए चला गया। और आप सबको पता ही होगा घर जाके क्या हुआ होगा। मैं जैसे ही घर पहुंचा, वहाँ पे मेरा स्वागत झाड़ू से हुआ, चप्पलों से हुआ, पिटाइयों से हुआ, कुटाइयों से हुआ, मतलब उस दिन सब कुछ हो गया मेरे साथ। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं जैसे ही घर गया, ऑब्वियस सी बात है मेरे पापा गुस्सा थे ही। पापा ने मेरे को मारा नहीं, बस डांटा और समझाया कि थोड़ा डांटा और बहुत ज़्यादा समझाया, नहीं थोड़ा उल्टा बोल दिया, बहुत ज़्यादा डांटा और थोड़ा सा समझाया कि अब से तेरी कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए और ये वो। और इसी के साथ मेरा इंसिडेंट और वो भयानक दिन ख़त्म होता है। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।